हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिता विजन। सो जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि मैम जो एमबीए की एडमिशन और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो थ्रू कैट कब इनकी नोटिस आएगी, तो वो नोटिस आ चुकी है। प्लस जो बीटेक प्रोग्राम है थ्रू जेई की उसकी भी नोटिस आ गई है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जो इन्होंने कैट के थ्रू नोटिस निकाली है, नोटिस रिगार्डिंग एमबीए एडमिशन थ्रू कैट, और जो इन्होंने एमबीए एडमिशन का ब्रोचर डाल रखा है वो, और अप्लाई कैसे करना है वो। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लेंडेड मोड काउंसलिंग फॉर एमबीए आरएम एंड एमबीए कोर्सेज। ब्लेंडेड मोड काउंसलिंग फॉर एमबीए आरएम एमबीए कोर्सेज एप्लीकेंट प्रोसेसिंग वैलिड कैट स्कोर। इस नोटिस को एक बार आप डाउनलोड करके इसको पढ़िएगा कि इसमें क्या इन्होंने बोला है। इन्होंने बेसिकली ये बोला है जो आपकी गूगल मीट है, इन्होंने एक जो इंटरव्यू है पर्सनल इंटरव्यू वो शेड्यूल किया है 25 जुलाई को। तो आपको 25 जुलाई को विद गूगल मीट के साथ बैठना है, मतलब विद गूगल मीट आपको यहाँ पे अपना जो पर्सनल इंटरव्यू है वो देना है। हु पॉजेज वैलिड कैट स्कोर, और आपके पास अगर कैट स्कोर है तो 21, 22, 23 का होगा चलेगा। बिफोर अपियरिंग इन जी डी एन पी आई इट इज़ मैंडेटरी टू सेंड योर प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, आपको इस मेल पे भेज देना है बिफोर 23 जुलाई। मतलब आपको आज के पहले पहले यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। बेसिकली मैं ये 22 को ही वीडियो बना रही हूँ। एंड लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पब्लिश ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट 31 जुलाई में, और डिपॉजिट फीस बाई सेलेक्टेड कैंडिडेट एज इज़ शेड्यूल्ड फ्रॉम 31 to 2 August। 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 5 August, 5 August फ्रॉम 10:30 AM एट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ SBBT बिल्डिंग जो है वहाँ पे आना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स MBA का फीस सेमेस्टर कितनी है, जो फर्स्ट सेमेस्टर डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके रिक्वायर्ड हैं, और MBA RM की कितनी फ़ीस है ये देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से रिक्वायरमेंट है इनको समझिएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगी, 10th और 12th की पासिंग मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। अगर यूपी बोर्ड के हो तो कोई बात नहीं है। वैलिड कैट का सर्टिफिकेट जो स्कोर कार्ड है वो लगेगा। सारी मार्कशीट लगेंगी जो डिग्री और जो ग्रेजुएशन है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, गैप सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर इन केस आपको ज़ीरो फीस पे एडमिशन चाहिए तो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट चाहिए कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप PWD हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो, और अंडरटेकिंग एफिडेविट जो आपको मैंने बताया था जो बाई स्टूडेंट और बाई पेरेंट्स है उनका, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एफिडेविट जो है वो 10 वाला जो है आपको 10 नोटरी 10 रुपीज़ पे बनाना होगा स्टैम्प। फिर यहाँ पे आपको ये प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो पढ़ लेना। नो सेपरेट लेटर विल बी इशूड फॉर काउंसलिंग, ओनली कैंडिडेट विद वैलिड कैट स्कोर। आपके पास अगर वैलिड कैट स्कोर है तभी यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक बार ये रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में खुद से पढ़ लीजिएगा। बेसिकली ये जो नोटिस आई है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो नोटिस है बेसिकली ये MBA RM की है, हितेश कुमार और ईशा रासू, ये हैं जनरल और SC की। यहाँ पे जो MBA मेन MBA है जो RM में थे वो 2 बच्चे थे, यहाँ पे जो MBA है वो इतने बच्चों का यहाँ पे नाम आया हुआ है विद कैट, कैट थ्रू के थ्रू इतने बच्चों का यहाँ पे आया हुआ है। एफिडेविट स्टूडेंट के द्वारा और एफिडेविट पेरेंट्स के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो ये नोटिस जो दी गई है ये मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। बेसिकली बहुत ही ईजी है नोटिस को, कोई ऐसा नहीं है कि कोई समझ ना पाए, बहुत ही ईजी है, आराम से यहाँ पे समझ सकते हो कितनी क्या फीस है। एक बार आप देख लीजिएगा। एक बार हम नोटिस जो इसकी है रिगार्डिंग MBA का एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये पुरानी नोटिस है जो इन्होंने बताया था कि इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी और ऐसा ऐसा है। तो ये नोटिस पुरानी है तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। बेसिकली यहाँ पे जो ये ब्रॉचर है MBA का, आपको अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस ब्रॉचर को भी एक बार देख लेना कि कितना क्या 60% वेटेज किसको मिल रहा है, 40% वेटेज किसको मिल रहा है। टोटल सीट यहाँ पे 90 है। एडमिशन के लिए आप किसको कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। ईमेल यहाँ पे दी गई है, आप ईमेल पे बात कर लेना। जो ये अट्रैक्शंस लिखे हुए हैं इनके बारे में एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे क्या है ऑफ़र, क्या किया जाता है वो पढ़ लेना। प्लस यहाँ पे कैसे क्या कब तक का
प्रोसेस होना है, लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 जुलाई तक का चलना था, तो ये ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी यहाँ पे कंफर्मेशन मैंने कर दिया था। बेसिकली जो यहाँ पे अभी जो ये ब्लेंडेड मोड काउंसलिंग की जो लिस्ट आई हुई है इसको थोड़ा सा ज़रूरी है, इसको पढ़ लेना और डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लेना। यहाँ लिखा हुआ वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड, मतलब आपको 25 को यहाँ पर्सनल इंटरव्यू देना है विद गूगल मीट। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस लगी तो मैंने सोचा आप तक मैं पहुँचा देती हूँ। अब यहाँ पर हम एक बार बीटेक के बारे में देख लेते हैं कि जो थ्रू जेई के अकॉर्डिंग यहाँ पे थ्रू जेई में यहाँ पे जो नोटिस एडमिशन बीटेक का करने के लिए बोले हैं उसमें हम देख लेते हैं। द एडमिशन प्रोसेस फॉर द एडमिशन इन बीटेक प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 जुलाई, यहाँ पे 22 जुलाई से शुरू हो रहा है प्योरली ऑन बेसिस जेई स्कोर, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आपको इस पर आपको क्लिक करना है, थ्रू जेई आपका यहाँ बीटेक में एडमिशन हो जाएगा। 22 से लेकर के 5 तक का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉकिंग है आपकी चॉइस की। यहाँ पे 1000 रुपीज़ EWS OBC और UR को देना है, SC ST को 500 देना है, प्लस यहाँ पे फर्दर नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ पे इन पे क्लिक कर देना है, मतलब आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गो थ्रू करते रहना है। तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पे अभी ऊपर वाली नोटिस थी, वही सेकेंड नोटिस है। तो आपको एक बार इस पे क्लिक कर देना है अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मली आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे फिर आप लॉगिन पे जाइएगा। आप जब लॉगिन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल आपको डालनी पड़ेगी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना पड़ेगा और आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है और थ्रू JEE वाले बच्चे अगर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर देंगे। ओके, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हो, मैंने आपको हर एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में बताया है। जो बीटेक वाले बच्चे हैं, चाहे वो यूजी वाले हों चाहे वो पीजी वाले बच्चे हों, अब हम सबके बारे में, जो यूजी वाले हैं अब हम यूजी के लिए भी यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए भी आप परेशान ना हो। थैंक यू सो मच।